हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, देखिए आज जो मैं आपको वीडियो बताने वाली हूँ, जिस रेमेडी के बारे में बताने वाली हूँ कि ना कोई आपको कोई डाई चाहिए होगी, ना कोई मेहंदी चाहिए होगी, आप जो है कुछ ही मिनटों में, कुछ क्या सिर्फ 2 मिनटों में मालिश से ही आप अपने सफेद बालों को काला कर सकते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। पर याद रखिएगा, जो आज जो मैं रेमेडी बताने वाली, ये मैंने एक बार बहुत पहले, जो 1 से 1.5 साल पहले भी बनाई थी, बट उसमें रेमेडीज जो उसके अंदर जो मैंने चीजें डाली थी वो थोड़ी अलग थी, यूनिक थी। पर आज की जो रेमेडी बहुत ईजी होने वाली है, सिर्फ आप 2 से 3 मिनट से ही आप घर बैठे अपने बालों को काला कर सकते। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मैं बताने वाली आपको, ये सारी चीजें जो अमेजोन में आराम से मिल जाएगी, लिंक मैं वहां पर आपको दे दूंगी। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, यहाँ मैं जो लेने वाली हूँ जटामासी पाउडर। अब जटामासी के नाम से आप जान सकते हैं कि जटाए के जैसे कि बालों को काला करने का तरीका बताया जाता है, इस तरीके का ये पाउडर है। कुछ ग्रेश सा कलर का होगा। और देखिए मैं यहाँ पर जो आधा चम्मच के करीब लेना, और आपको क्या करना है अपने पूरे बालों पे इसे लेना होगा। ये देख सकते हैं इस तरीके का, हमें सिर्फ आधा चम्मच हमें ये लेना है जटामासी पाउडर। और जटामासी से क्या होगा कि हमारे इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है भरपूर मात्रा में, हमारे डीप जाके बालों को कंडीशनिंग करता है, बालों को काला करता है, यहाँ तक कि बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है, बालों को ब्लैक करता है। और साथ के साथ अब आप देखेंगे, आप अपनी जो आई शेडो को, जो आईब्रो होती है उनको भी आप इसे काला कर सकते हैं, हल्का हल्का वहां पर भी आप इस एरिया में लगा सकते हैं। आप लोग जो है काफी सारे जो प्रोडक्ट है, कलर, हेयर कलर करना, बालियाज करवाना, या आप लोगों को हाईलाइट करवाना, वो सारी चीजें आप भूल जाएंगे और आपके बाल जो है नेचुरल काले होने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ जो है जटावासी पाउडर ले लिया है, ये आपको जो है आराम से जो है अमेजोन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। सेकेंड चीज जो मैं लेने वाली, चॉकलेट क्ले। चॉकलेट क्ले नाम आप सुन ही सकते हैं कि ये जो है इस टाइप का है, थोड़ा सा ब्राउनिश के कलर का होगा। ना मैं इसके अंदर कोई डाई ऐड कर रही हूँ, ना मेहंदी ऐड कर रही हूँ, ना कोई काला कत्था ऐड कर रही हूँ, देख सकते हैं आप, ना इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स है, पैराबिन है, सल्फेट, सिलिकॉन, इसमें ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है। ये हमारी बालों की स्कैल्प के लिए काफी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर है जो हम आधा चम्मच इसको भी लेंगे, देख सकते हैं आधा चम्मच के करीब मैं जो है चॉकलेट क्ले लेने वाली हूँ। चॉकलेट क्ले अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह जो है कॉफी पाउडर ले सकते हैं। कॉफी पाउडर से आपके बाल जो है नेचुरल काले होने शुरू हो जाएंगे। देखिए थर्ड एंड लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करने वाली, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप जो कुछ ही मिनटों में बना के अपने बालों को काला कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो आप जो है पैराशूट नारियल तेल ले सकते हैं, कोई सा भी नारियल तेल अगर आपके पास है, ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, वो हम इसके अंदर लेंगे काफी अच्छी मात्रा में। मैंने 3 से 4 चम्मच ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के तुरंत बाद ही हम इसे अपने बालों पे जो है मालिश के तरीके से लगाना है, ना कि हमें जो है डाई के तरीके से लगाना है। हमें अपने फिंगर्स में इसको लेके क्या करना है, इसको अच्छे से जो है अपने बालों पे अच्छे से मसाज कर लेना है। मसाज करने का तरीका तो आपको पता है, जिस तरीके से आप लोग तेल लगाते हैं इसी तरीके से आपको इसको लगाना होगा, ये देख सकते हैं। और इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है, आप जो है कुछ ही मिनटों में अपने नेचुरल बालों को जो है काला कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके बहुत ज्यादा सफेद बाल हो चुके हैं आप उनको जो है काला कर सकते हैं। ये फुल जो है आपके हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, ये देख सकते हैं। ये हमारी रेमेडी बनके तैयार होगी, बस आपको अपने फिंगर्स पे इसको जो है टच करना है और अपने बालों की जड़ों पे लगाना है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको पूरे सफेद बालों पे भी टच करना, नहीं, आप अपनी जड़ों पे लगाइए, हफ्ते में 3 से 4 बार लगाइएगा, और इसको जो अपने देन उसकी टाइम आप इसको जो वॉश कर सकते, रिजल्ट आपको जो बिल्कुल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। 2 से 3 बार लगाने के बाद ही आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ भी पूछना चाहते तो मुझे तो है कमेंट बॉक्स में क्वारी कर सकते हैं, वहाँ पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको जो है सारे आंसर दे दूंगी। तो चलिए फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।